और के लिए ना सही, लेकिन तुम्हारी मासूम बेटी के लिए तुम्हें माफ करने पे राजी हो जाएगी। इंशाल्लाह हम वो दिन भी जरूर देखेंगे। इसे कितनी शर्म की बात है ना दीला बाजी, मैंने जिस औरत के शौहर को जान से मार दिया, उसकी जिंदगी उजाड़ दी, वो औरत मेरे बेटे को किस तरह प्यार कर रही है। मासे, एक बार वो तुम्हारी जान बख्श देना तो तुम भी जरूर उसके काम आना। उसके गम का क्या, उसका मदावा तो नहीं कर सकता ना। हम उसके लिए सबर की दुआ तो कर सकते हैं ना। और अल्लाह जरूर उसकी नेकी के बदले में उसे सबर देगा। बाकी हम देख लेंगे और उसे जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अले 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 मिली गुलिया। आराम से मैं फिर आऊंगी, बस अगली दफा हम खाना खाएंगे साथ में। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस छत से आवाज देते ना, फौरन तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलते। कदर, तुम जानती हो कितनी परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ रह गई थी तुम? अब अम्मी पड़ोस में जरा गई थी, आपको पता है वहां नए लोग आए हैं, उनकी छोटी सी 7-8 माह की बेटी भी है, अच्छी लड़की है, मेरी तो फौरन ही दोस्ती हो गई है। कदर चल आजा, मैंने तेरे लिए नाश्ता बचा के रखा है। आप अपना पेट भर लीजिए अम्मी, मैं खा कर आई हूं।